वाल्मीकि बस्ती है, इसमें लगभग हमारे यहाँ 100 घर हैं वाल्मीकियों के। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे महर्षि जी का आश्रम बनाया है और महर्षि की जी के बताए मार्ग पे चलने का पूरा हमारा प्रयास है। उसी के साथ भी ये जो हमारी समाधियाँ दिख रही हैं, ये संत लोगों की, इन्होंने यहाँ पर तपस्या की है। एक संत जो है यहाँ पे बंगाल के हैं, ये सबसे पहले संत जी आए थे यहाँ पर, बाबा नारायण नाथ जी। इन्होंने यहाँ पर हम लोगों को
बहुत समय पहले बुजुर्गों को सब लोगों को यहाँ पे ज्ञान की और धर्म की बात को प्रचार प्रसार किया है। उनके बाद तब उस समय यहाँ पे आश्रम पे कुछ भी ये नहीं था, एक यहाँ पे छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और ये संतों का एक झुंडा था, यहाँ पे तपस्या वो करते थे। उन्होंने ऐसी हम लोगों को शिक्षा दी कि आज हम लोग यहाँ तक आ गए। उसके बाद हमारे ये दूसरे महात्मा जी कल्याणदास जी यहाँ पे आए, उन्होंने भी ये दूसरी समाधि जो बनी हुई उन्होंने भी ये प्रयास करा, हम लोगों को ज्ञान शिक्षा दी उनके सब, आज ये उस तपस्या का फल ये हमारे पास। उसके बाद एक माई जी है हमारी, ये दुल्लू माई जी थी, इन्होंने भी यहाँ पे घोर तपस्या की है, उनके तपस्या से ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद एक हमारे दादा श्री थे कल्याणदास हरनामदास जी, संत हुए थे, उन्होंने ये सब यहाँ पर घोर तपस्या करके और ये समाज को उत्थान के लिए धार्मिक मार्ग पे चलने के लिए ये सारी तपस्याएँ की। अभी कुछ समय पहले 20 वर्ष पहले करीब हमारे अपने यहाँ महात्मा जी एक समाधि है, ये बंगाली बाबा आए थे विक्रमनाथ जी, ये उनकी समाधि है, उन्होंने भी यहाँ पे बंगाल से आए हुए थे, बड़ी तपस्या की यहाँ पे और समाज को अच्छे राह पे चलने के मार्गदर्शन किया। आज उसी का संतों का सब हम लोगों के ऊपर दया दृष्टि है, जो आज ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब उन्हीं की सब संतों की कृपा है और धर्म के मार्ग पर चलने का उन्होंने हम लोगों को मार्ग दिखाया है। उसी ये देवी जी जो हमारे यहाँ हैं फूलमती फूला देवी जी, ये इनके विषय में हम बताना ये चाहेंगे कि जिस समय त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पे सीता जी को राम ने छुड़वाया था वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पे, तो उनके दो पुत्र हुए थे लव और कुश। लव कुश दोनों पुत्र होने के बाद जिस समय सीता जी अंतिम परीक्षा जब उन्होंने दी थी अपने सत्य की, तो उसके बाद जब वो वहाँ से धरती माता की गोद में समाई थी, उस समय महर्षि वाल्मीकि जी को उन्होंने ये वचन दिया था कि जो महर्षि वाल्मीकि जी को मानने वाले भक्त होंगे वहीं पर कलयुग में हम प्रकट होंगे। तो ये हम लोग जो है इनको माता सीता के रूप में मानते हैं और इनके साथ में दो आपको दिख रहे हैं लव कुश के रूप में जो बालक हैं, जिन्हें हम लोग सुंदर और रंजू कहते हैं। इनका नाम फूलमती हम लोगों ने रखा था क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी ने फूल चुनने का काम किया था, फूल लाती थी पूजन के लिए, तो वही नाम हम लोगों के समाज के जो पुराने लोगों ने जो भी रहे होंगे उस समय जब जी प्रकट हुई होंगी, ये हजारों वर्ष पुरानी कथा है, तो उस समय इनका नाम फूलमती रखा था। तो हम लोग साधारण भाषा में गांव की भाषा हम लोग फूला भी कहते हैं, फूला देवी भी इनको कहते हैं। ये इन्होंने और इनसे ही हमारे समाज में भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ा, हम लोगों ने इनको हमेशा पूजन किया और इनसे कृपा की कि प्रार्थना करते रहे हम लोग, प्रार्थना करते करते आज, और ये भी माता कालका यानी काली देवी और कालका देवी एक ही बात है, उनके भक्त रही हैं, तो उनकी कृपा से फिर कालका देवी का भी यहाँ आगमन हुआ और काली देवी का आगमन हुआ, सरस्वती माता दुर्गा जी सभी देवियों का यहाँ पे आगमन हुआ और उनकी कृपा से सब कुछ ये मंदिर पे आज जो कुछ हो रहा है। और हम लोग आज भी भक्ति में हमारी माता है, मैंने सभी लोग सात्विक रूप से इनकी सेवा करते हैं, कोई भी यहाँ पे धूम्रपान वाला मंदिर पे नहीं आता है, कोई भी अशुद्ध खान पान वाला यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे सब शुद्ध और यही समाज में प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं क्योंकि माता सीता के रूप में ही हम लोग इनको देवी को मानते हैं। ये जो गुरु गोरखनाथ और गोगावीर चौहान, ये हमारे वाल्मीकि समाज में कभी कभी लोगों से हमने जानकारी की कि हम लोग वाल्मीकि समाज के लोगों से इतना गहरा संबंध किया है, जो हम लोग बहुत बड़ा मेला लगता है फतेहगढ़ में, शायद देखा होगा आपने रक्षाबंधन के दूसरे दिन बहुत भारी मेला लगता है, ऊँचे ऊँचे निशान उठते हैं और राजस्थान से संबंध है गोगा जी महाराज का। तो गोगा जी महाराज के परिवार में कोई संतान ना होने का श्राप लगा था, तो वहाँ के फल फूल वृक्ष सभी में कोई फल नहीं आते थे, गाय भैंस कोई नहीं जाती थी, उस समय ये स्थिति हो गई थी। तो इन्होंने इतनी तपस्या की, गुरु गोरखनाथ की आराधना की माता बाछल ने, तो उनके उन्होंने वरदान लिया कि तुम्हारे घर संतान होगी, तो उनके वरदान से ये पैदा हुए
पैदा होने से पहले उन्होंने फल जो गुरु गोरखनाथ ने दिया था माता बाछल को देने के लिए कहा कि आप सुबह को आएंगे आपको हम फल देंगे इसका आपके घर संतान होगी। उससे पहले इनकी बहन काछल पहुंच गई वहां पे, उन्होंने वो फल प्राप्त किए और प्राप्त करके खुशी से वो रात में ही पहुंच के उन्होंने फल ले लिए छल से, अपनी बहन के साथ छल किया था, इनकी बहन माता बाछल के साथ छल किया था काछल ने। तो दूसरे दिन जब माता बाछल पहुँचे गुरु गोरखनाथ के पास फल लेने के लिए, तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ वहाँ से निकल लिए थे, तो वो फिर पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गई गुरु गोरखनाथ के पास, उनसे कहा कि आपको ने हमारी तपस्या का फल नहीं दिया हमें, ऐसा क्या हुआ। तो गुरु गोरखनाथ बड़े नाराज हुए और इतने नाराज हुए कि उनके तप के कारण वहाँ की भूमि की मिट्टी लाल हो गई, जलने लगी, तो लेकिन माता बाछल बिल्कुल सुरक्षित रही। तो उन्होंने जब ध्यान लगाया कि माता बाछल बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा क्या कारण, तो भगवान शंकर से उन्होंने ध्यान लगाया कि ऐसा किया हमसे भूल हुई, जो माता बाछल तो बिल्कुल सुरक्षित है कि अपनी जगह भी ये सही, हमने इनके साथ छल हुआ है। तो भगवान शंकर ने गुरु गोरखनाथ को मार्गदर्शन कराया कि हाँ इनके साथ छल हुआ, इनकी बहन फल ले गई है, कोई बात नहीं, इनको दूसरा फल दिया। तो उन्होंने उपाय पूछा, तो भगवान शंकर ने उन्हें उपाय गुरु गोरखनाथ को बताया कि आप पाताल लोक में जाइए, राजा बासुकी की जीव से जहर ला के इनको गूगल में घोल के इनको दीजिए तो इनके संतान होगी। तो माता बाछल को उन्होंने ला के वो जहर दिया और उनको घोल के उन्होंने, तो जिस समय उन्होंने वह हड़बड़ी में घोड़ा है तो उसमें एक गिलास कितने 5 गिलास हो गया पानी, तो एक गिलास जो उन्होंने पिया माता बाछल ने उनसे ये गोगावीर चौहान हुए। दूसरा गिलास इनके यहाँ जो खाना बनाने वाली पंडितान पांडे थे पड़ैन आती थी उनको दिया, तो उनसे नाहर सिंह पांडे हुए। एक गिलास वहाँ पे भज्जू कोतवाल नाम से है वो जाटा समाज से है उनको दिया, तो उनसे भज्जू कोतवाल हुए। एक जो सफाई का कार्य करने वाले थे उनकी पत्नी वहाँ थी करती थी काम उनको बुलाया, तो उनसे रतन साहब हुए बारहवीं समाज के जो थे रतन साहब। और एक गिलास बचा हुआ उन्होंने घोड़े की जो ईद नाम सानी लगाई जाती उसमें डाला, उससे ये नीला घोड़ा हुआ। तो इसलिए वाल्मीकि समाज का संबंध इनसे अच्छा है और हमेशा इनकी भक्ति वाल्मीकि समाज ने की। ये है ये जो शिला है यहाँ पे, इसमें 64 युगनी हैं जो हमारे उसमें हिंदू धर्म के इतिहास में आती है। ये फरुखाबाद के शायद ही किसी मंदिर में होगी और इसका इतिहास हम इसलिए बताना चाहेंगे, यहाँ पर ये गॉड गिफ्टेड है। जब हम लोग ये मूर्तियाँ खरीदने जाते तो वहाँ के जो मूर्तिकार थे तो उन्होंने ये बताया कि कोई भक्त इसको बरसों से बनवा के रख गया लेकिन वो ले जा नहीं पा रहा और कोई भी नहीं इसको ले जाना चाहता है। अगर आप लोग चाहें तो जो भी आप अपनी दक्षिणा चढ़ा के उसको ले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी प्रार्थना की, 64 युगनी बहुत बड़ी बात होती है, तो हम लोगों ने क्षमा मांग के और वहाँ पे जो भी दक्षिणा चढ़ा के और ये 64 युगनी यहाँ पे ले आए। अब उनकी कृपा इतनी है कि यहाँ पे कोई भी भक्त आता है अपनी मनसा मुराद पूरी करने के लिए, यहाँ 64 युगनी में से उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती। आज ये सब कुछ दिख रहा है, ये सब कृपा है इनकी। ये समाधि जो देख रहे हैं ये यहाँ के भगत जी रहे हैं, किशन लाल जी, देवी माँ के। ये इन्होंने बचपन से अपने जीवन में भक्ति की और उस भक्ति के कारण इनको माता की सिद्धि प्राप्त हुई। जो अभी हमने इससे पहले फूलमती माता का जो आपको इतिहास बताया, उनके ये परम भक्त रहे हैं, इनकी कृपा से ही शहर में भक्ति की ज्योत जगी। कोई पुरातन समय में ये चीज़ें रही थी समाज में, सामाजिक थोड़ी सी हो रही है, तो उसमें जैसे हम लोग कालका देवी के उसमें जाते थे, खादराबाद एक जगह है वहाँ जाते थे हम लोग इनके, और मंदिर था वहाँ पे। तो कुछ सामाजिक थोड़ी सी ऐसी समस्याएं रही कि पूजा पाठ के लिए अंदर जाने में थोड़ी सी वो होती थी, परंतु पिताजी के हमारे दिमाग में ये आया, जो भगत जी है यहाँ किशनलाल जी, इनके दिमाग में ये चीज़ रही कि हम स्वाभिमान के लिए ऐसा क्यों करें जो हमें जगह जगह से इधर उधर करना पड़ता है। तो हम अपने स्वाभिमान के लिए माता से प्रार्थना की कि माता हमारे यहाँ आप विराजमान हो और जो हम आपका पूजन अपने घर पर शांतिपूर्वक विधिवत अपने कर सकें। तो माता की कृपा हुई, इनकी भक्ति हुई, प्रसन्न
होके माता ने ये कृपा की तो फूलमती माता कालका जी यहाँ पे स्थापित हुई और आज धीरे 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 इनकी जो कल्पनाएं थी वो सब कल्पनाएं साकार हो रही हैं और ये मंदिर पे भव्य जो है भव्यता दिखाई दे रही है। ये सब इनका मार्गदर्शन ही हम लोगों के लिए ये है कि इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक इनकी बराबर सेवा में लगे हुए इनके वचनों का पालन कर रहे हैं। ये है माता काली की 21 साल तक हमने माता काली का अखाड़ा चलाया। 21 साल तक माता काली हमसे लोगों से प्रसन्न हुई और माता काली प्रसन्न होने से यहाँ पर हम लोगों ने अपने आत्मा में जो सोची कि जिस तरीके से हमारी माता हैं उसी तरीके की मूर्ति स्थापना यहाँ पर कराई जाए और उसी रूप से आज माता विराजमान हुई और खुश हुई इस बात से हम लोगों की सेवा भक्ति से। नरेंद्र स्वरूप में म्यूजिक टीचर है, ये भी सब जितने भी लोग हैं वाल्मीकि समाज से संबंध है, सबका सब लोग हमारे परिवार से और सब मोहल्ले से शहर से हैं तो ये माँ म्यूजिक टीचर है, ये तबला और बैंड वगैरह का ये सब लोग करते हैं और ये बच्चा और ये जो हैं प्रभात वैष्णव ये ढोलक इनके राज वो राजा के साथ में ढोलक बजा सिंगिंग स्टार ऑफ यूपी उसमें ये रनअप है, इन्होंने वहाँ प्रतिभागी बनकर अपना प्रदर्शन भी किया, इनके कई गानों की शूटिंग भी हुई और वह कार्यक्रम इनका चला भी और अभी भी शो आता है, किसी समय भी आता हो तो इनका बहुत अच्छा वहाँ पर संगीत के क्षेत्र में रहा और फर्रुखाबाद में इन्होंने कई प्रतियोगिताएँ बहुत सारी प्रतियोगिताएँ इसके अलावा राजस्थान कोटा में सवाई माधोपुर भरतपुर और गंगापुर सिटी जैसे 6 जिलों में इन्होंने अपने संगीत का परिचय दिया और भजन कीर्तन भी गाए और फिल्मी सिंगिंग भी करते हैं। बहुत इनके जो टैलेंट है ईश्वर की कृपा इन पर और माता रानी की दया है जो आज ये सुनकाम पर हैं और आगे ईश्वर की जो भी मर्जी होगी वो देखें। जा ऋषि की संतान तुम्हें कुछ करके दिखाना है।